we'll start with the criminal attempt today. Let us recap yesterday's lecture. We were done with defamation. We started in the past lecture, we started with defamation. We understood all the definitions and aspects of relating to defamation. And then yesterday we were done with the exception of defamation. And then we discussed the constitutionality of defamation. And we also understood the case of Subramaniam Swamy versus Union of India, wherein it was held that defamation is Section 499 and 500 are constitutionally valid. Fine. Today we'll start with criminal attempt, which is Section 511. It's the last section of IPC, and let us read what it states. Are you guys on Section 511? Section 511 says that whoever attempts to commit an offense punishable by this court with imprisonment of life or imprisonment to cause such an offense to be committed, and in such an attempt does any act towards the commission of the offense, shall where no express provision is made by this court or for punishment of such attempt, be punished with imprisonment for a description provided for the offenses for a term which may extend to 1/2. Now see, बहुत सारी चीजें लिखी हैं सेक्शन में, एंड यही अकेला सेक्शन नहीं है अटेम्प्ट से रिलेटेड. दिस इज नॉट द ओनली सेक्शन विच इज रिलेटेड टू अटेम्प्ट. देर आर वेरियस अदर सेक्शन. फॉर इंस्टेंस, देर इज सेक्शन 307. इवन दैट टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट. नाउ यू फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग विद ऑल द सेक्शंस विच आर रिलेटिंग टू अटेम्प्ट, मैं बाद में बताता हूँ कौन कौन से सेक्शन में अटेम्प्ट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली अटेम्प्ट मीन्स. ठीक है, ये चीज बहुत समझने की जरूरत है कि अटेम्प्ट का एक्चुअल मतलब क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन. देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड दैट डिफरेंस इज वेरी क्रूशियल. दैट डिफरेंस मेक्स एन एक्ट एन ऑफेंस. सो आइडली हर क्राइम में चार स्टेजेस होते हैं. द फर्स्ट स्टेज इज एन इंटेंशन. The second stage is preparation. And the third stage is attempt. And the fourth stage is commission of the offense itself. Isko hum, matlab, if you want to learn it, you can learn it as IPAC. So, ये चार स्टेजेस होते हैं. ठीक है, अब मियर इंटेंशन ऑब्वियसली इज नॉट पनिशेबल. इफ यू हैव एन इंटेंशन टू किल समवन, मियर इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल, राइट? मियर प्रिपरेशन इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल. ठीक है, नाउ इसके कुछ एक्सेप्शंस है. इन टू केसेस अ प्रिपरेशन कैन बी पनिशेबल. फॉर इंस्टेंस, यू आर प्रिपेयरिंग टू कमिट अ डकैती, then it is punishable. For instance, you are preparing to wage a war against the government, then it is punishable. ये दो exceptions हैं, बाकी किसी में preparation is not punishable as such. Attempt is punishable in every case. Every case provided in IPC. कुछ अटेम्प्ट पनिशेबल हैं 511 में, एंड कुछ अटेम्प्ट पनिशेबल हैं रिस्पेक्टिव स्पेशल सेक्शंस उनके लिए प्रोवाइडेड हैं. ऑब्वियसली कमीशन इज द एक्टस रियस, इट हैज टू बी पनिश्ड. फाइन, अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि एक चीज अटेम्प्ट प्रिपरेशन से अटेम्प्ट में गई कैसे. What is the difference between a preparation and attempt? What is the dividing line between them? Because see, jab tak koi cheez preparation mein hai, tab tak it is not punishable. Jaise hi wahi cheez
अटेम्प्ट के स्टेज में आ जाती है, इट बिकम्स पनिशेबल. सो नाउ दिस इज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि व्हाट एग्जैक्टली इज अटेम्प्ट. सी अटेम्प्ट क्या है कि व्हेन द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इज कंप्लीट, एंड इफ यू डू द फर्स्ट एक्ट राइट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, इफ यू डू द फर्स्ट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ अटेम्प्ट, जरूरी नहीं कि लास्ट एक्ट होना चाहिए, फर्स्ट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, दैट इज एन अटेम्प्ट. सो नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी द पेन अल्टीमेट एक्ट. अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर इंस्टेंस देयर इज दिस फेलो ए, ही हैज दिस इंटेंशन टू किल बी, ही प्रिक्योर्स गन. नाउ प्रिक्योरिंग गन, द मोमेंट वो गन प्रिक्योर कर रहा है, ही इज इन द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, अभी तक वो प्रिपरेशन में है. नाउ ही गोज इन फ्रंट ऑफ बी एंड ही शूट्स हिम. अब उसको एक गोली मारता है, बी साइड हट जाता है, दूसरी गोली मारता है, बी साइड हट जाता है, तीसरी गोली मारता है, बी को छू के लग जाती है. एंड नाउ दिस इंजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस माइट हैव कॉज्ड बीज डेथ. ठीक है, नाउ अटेम्प्ट का लॉ बोलता है कि वी वोंट बेस आर सेल्फ ऑन द लास्ट पेनल्टीमेट एक्ट. He will be said to have committed the offense of attempt the moment he committed the first act. Stage mein jaise hi first act commit kiya, we will deem him to have committed the attempt. Hum ye maan lenge ki usne attempt kiya hai. So attempt ke stage mein, so law kya hai, law ye bolta hai is regarding mein ki when you are in the stage of attempt and in that stage you do one act, any act, that will amount to attempt. So it need not be the last act, need not be the penultimate act. Okay, is this clear? Ye basics hai. Did you guys understand the basics? Sir, if A would have shoot B and sir, उसको गोली लगता ही ना B को, so वो आता उसके अंदर attempt के अंदर. हाँ, obviously first, वही तो मैं बोल रहा हूँ, first act होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि last act हो. So sir, it is not important that some harm to be caused to the other. Absolutely, it is not important that whether an harm is caused to one person or not. ठीक है. Okay, sir. It is not important whether the hurt is actually caused to that person. The fact that you have to see is that whether he was in the stage of attempt. Bhale penultimate act, which hurt, ye penultimate act hua na, last act hua, last act mein chot lagni hui. So bhale wo penultimate act na ho, koi bhi pehla act ho. As long as it is in the stage of attempt, a person will be held liable. Theek hai? Okay, sir. Now see, a problem kya hai ki हमने डिफाइन कर दिया है, डिफाइन तो क्या ही किया है. सी आईपीसी सेक्शन 511 हैज यूज्ड द वर्ड अटेम्प्ट. नाउ दे हैवंट डिफाइंड इट. आप समझ सकते हैं, मतलब कैन यू आंसर द क्वेश्चन व्हाई हैवंट दे डिफाइंड इट. मतलब they could have put it somewhere along with illegal injury, ek attempt word bhi dal dete the. They haven't defined it. Why is that? Sir, because attempt is a kind of subjective thing related to each and every circumstances. Because if we see that if we took the example of a boy is shooting another boy with the help of guns, then in that case we can say that shooting or firing, irrespective of the fact that he was injured or not,
he attempted the to kill that boy. Okay, so if we take the other another example, let's suppose if a is a boy who wants to steal something from the another room. So if he entered the room, that does not mean that he wants to steal that thing, but he has intention. So here the definition of attempt is different, because he started to cheating that he started to stealing that product. Okay, suppose it's mobile phone. So I think this is a difference. That's why attempt is not defined. See, to an extent you are right. रीजन क्या है कि बिकॉज देर आर वेराइटी ऑफ ऑफेंस इन आईपीसी एंड ईच ऑफेंस एंड यू नो यू कैन नॉट डिफाइन अटेम्प्ट फॉर ईच ऑफेंस. जैसे तो 511 की आप अटेम्प्ट बता दोगे. ईच विद अ वेराइटी ऑफ ऑफेंस एंड ईच ऑफेंस हैज इट्स ओन अटेम्प्ट. And that is the reason we call attempt a subjective concept. It differs from an offense to offense. Har offense ka apna ek attempt hai. So that is the reason we call it. Ajay Kumar. Wait. That is the reason we call it a subjective concept. Fine. Now, one more thing is that, see, now how do we analyze whether a particular act is a criminal attempt? Hum kaise analyze kare ki ek act criminal attempt hai? So see, it is very difficult, and there is no straight jacketed formula as such ki haan, ab ye attempt mana gaya, ab ye offense attempt hoga ya ab nahi attempt hoga. To aapko kafi cheeze you'll have to analyze a lot of things. So inme se sabse pehli cheez hai ki situation in which the accused committed the offense, in which the accused attempted, theek hai. And secondly, you'll have to see an act towards the commission of the offense. Of the offense ki kya act hua hai actual, and whether this act is towards the commission of offense. And see, ab 511 mein kahin par bhi ye provided nahi hai ki kya attempt hoga. So you will have to analyze the stage of preparation. एक थियरी है जिसको हम बोलते हैं कि वेदर ही कुड हैव स्टेप्ड बैक. क्या वो वापस जा सकता है? वेदर ही कुड हैव स्टेप्ड बैक. क्या वो वापस जा सकता है? अगर वो वापस जा सकता है, देन इट इज नॉट अ केस ऑफ अटेम्प्ट. अगर वो अपनी चीज वापस नहीं ले सकता, देन इट इज अ केस ऑफ अटेम्प्ट. ठीक है. एंड जरूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, जरूरी नहीं है कि आपको पेन अल्टीमेट एक्ट कमिट हो. पेन अल्टीमेट एक्ट इज नॉट नेसेसरी. इवन द फर्स्ट एक्ट इन द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन सॉरी अटेम्प्ट, पहला ही एक्ट अगर स्टेज ऑफ अटेम्प्ट में हुआ, वही काफी है. इन द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट इज इनफ. अब हम डेफिनेशन पे आ ही गए हैं, तो पहले तो दो कारण मैंने तो एक तो आपको बता दिया, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डिफाइन अटेम्प्ट्स ऑफ 511 सेक्शन. एंड थर्डली, ईच केस हैज टू बी व्यूड इन इट्स ओन सर्कमस्टेंसेस. ऑफेंस तो अलग ही अलग है, कुछ कुछ केसेस में भी आपका प्रिपरेशन और अटेम्प्ट बदल जाता है. ऑफेंस तो अलग ही अलग, बट केसेस में भी आपका अटेम्प्ट बदल जाता है.
उसके काफी एग्जांपल्स दूंगा. सो आइडर ही व्हाट शुड बी द टेस्ट, हाउ डू वी एग्जामिन व्हाट इज एन अटेम्प्ट एंड व्हाट इज नॉट. सो द टेस्ट शुड बी वेदर द प्रिपरेशन इज कंप्लीट, क्या प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है. एंड द मूमेंट प्रिपरेशन इज कंप्लीट एंड ही डज एन एक्ट, दैट एक्ट इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटेम्प्ट. एंड ही डज एन एक्ट, दैट एक्ट विल बी द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटेम्प्ट. ठीक है, इज दिस क्लियर. अब इतना जितना सिंपल लग रहा है इतना नहीं है, काफी इसमें कॉम्प्लिकेशंस है आगे. एक मतलब इसमें मैं काफी एग्जांपल्स दूंगा बिकॉज ऑफ द नेचर एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ दिस सेक्शन. आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स रिलेटिंग टू वेरियस सेक्शंस एंड काफी एग्जांपल्स माइंड बॉगलिंग भी होंगे. एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स इज स्टिल नॉट डिसाइडेड एज सच, जो होता है एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल एक्ट्स. ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शंस में अटेम्प्ट प्रोवाइडेड है इन आईपीसी. ठीक है, सो बेसिकली फोर काइंड्स ऑफ अटेम्प्ट्स टोटली आईपीसी प्रोवाइड करता है. एक तो हमें पता चल गया विच इज 511 एंड दूसरा है 309. एनीवन, 309 क्या है, हमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. सर, अटेम्प्ट टू मर्डर? नो, अटेम्प्ट टू सुसाइड. सॉरी सर. ठीक है, एंड देन इज 307, 308 एंड 393. एंड देन प्लेथोरा ऑफ सेक्शंस हैं. 124A में भी अटेम्प्ट इज पनिशेबल, 153A में भी अटेम्प्ट इज पनिशेबल, 171B इज देयर व्हिच रिलेट्स टू इलेक्शन, 171C इज देयर एंड 171D इज देयर. इन सब में अटेम्प्ट पनिशेबल है. 196 इज देयर, 198 इज देयर एंड 213 इज देयर, 225B इज देयर एंड देन 239 इज देयर, 240 इज देयर एंड 241 इज देयर, 250 एंड 251 एंड 254 एंड 295A एंड 389 एंड 391. ये कुछ सेक्शंस हैं. इन सेक्शंस में मेन ऑफेंस और अटेम्प्ट दोनों भी सेम सेक्शन में पनिशेबल हैं. ठीक है, जब मैं पहले बताता था आपको कि डकैती में भी अटेम्प्ट भी पनिशेबल है, डकैती के सेक्शन में भी अटेम्प्ट भी पनिशेबल है, तो इसमें क्या है कि वो मेन सेक्शन में ही अटेम्प्ट भी पनिशेबल है. सो उसके लिए आप अलग से 511 नहीं लगाते बिकॉज मेन ऑफेंस रिजॉल्व्स द मिसचीफ. इनमें अलग से अटेम्प्ट प्रोवाइडेड है विच इज अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी एंड हेयर इट्स अटेम्प्ट टू सुसाइड एंड हेयर अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंसेस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट to commit offenses punishable under IPC, punishable under this code. ठीक है, this is clear. Clear है? Should I proceed? Yes, sir. Okay. Now see, there is a difference between attempt and preparation, which obviously you guys must be aware. बट एक बार रिकॉल कर देते हैं एंड लेट अस जॉट डाउन द मेन एरियाज ऑफ डिफरेंस. द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट सी व्हाट इज अ प्रिपरेशन. प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन इज एन अरेंज और डिवाइस और मींस और मेजर्स. अब अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट इज अ मूवमेंट towards commission of offense.
commission of offense. Fir preparation not usually punishable except in two cases which I have already mentioned. Not usually punishable. Now, attempt is generally punishable. Most cases may you will find the attempt to be punishable. Now see, in preparation, you are indifferent towards possessing a definite result. आप इनडिफरेंट हो टूवर्ड्स टूवर्ड्स अटेनिंग द अल्टीमेट रिजल्ट द इनडिफरेंट टूवर्ड्स द इंडिकेशन ऑफ क्रिमिनैलिटी जो अल्टीमेट रिजल्ट है आप उसके प्रति इनडिफरेंट सो यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट यू आर इनडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिकेशन ऑफ क्रिमिनैलिटी मेंजरिया इसमें एबसेंट है हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेंजरिया ठीक है अब इफ अक्यूज्ड हैज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी इसको मैं बोलता हूं जो मैं बोला पीछे अब हट नहीं सकता इफ द अक्यूज्ड हैज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट टू रिपेंट ही इज इन द स्टेज ऑफ ही इज इन स्टेज ऑफ अटेम्प्ट उसने खो दी अपॉर्चुनिटी वापस आने की सो ही इज इन द स्टेज ऑफ रिपेंट अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है वापस आने की ही इज इन द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इज दिस क्लियर ये कुछ बेसिक्स है वेट देयर आर टू क्वेश्चंस व्हाई इज द पर्सन इनडिफरेंट व्हाइल preparing while preparing there is no intention as such to commit the offense you are just preparing in order to commit the offense intention to aap tab examine karoge na when you examine the adequate mens rea when you are actually committing the offense no not necessary na he is preparing to commit an offense then he has an intention that is not necessary na But the intention is what is moving him to prepare. See, you can say that the intention is moving him to prepare, absolutely. But he is not preparing with the intention. जब बंदा offense commit करता है, he is committing this attempt and mens rea are coupled together. Fine. You cannot say the same for preparation. I am procuring the gun to kill a person. So in while I am procuring the gun to kill a person, that procuring of gun becomes a sort of a motive. Killing a person becomes a sort of a motive for procuring the gun. ठीक है. So where were we? Okay. हाँ ये बेसिक्स क्लियर है सो नाउ लेट अस सी जो फर्स्ट रूल है विच इज फिर से मैं रिपीट करता हूं दैट देयर हैज टू बी द पर्सन शुड हैव कंप्लीटेड हिज स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पेन अल्टीमेट एक्ट हैज बीन कमिटेड जरूरी नहीं है कि लास्ट एक्ट कमिट हो इवन इफ फर्स्ट एक्ट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस नाउ फॉर इंस्टेंस अब एक केस है क्या हुआ था ए वांटेड टू शूट बी नाउ व्हेन ही वांटेड टू शूट बी ही टुक आउट द गन ही pulled the trigger but he was not aware that the gun is locked aage ek lock laga hua hai and the gun is locked and jaise usne shoot kiya he pressed the trigger jaise usne shoot kiya to the bullet did not
did not exit the gun and ultimately kuch nahi hua and B did not die, but he was not aware that the gun is locked. Fine. Now is case mein kya hum manenge that this fellow is in a stage of attempt? ये प्रिपरेशन हो गई क्या? उसने फर्स्ट एक्ट किया अटेम्प्ट में? डिड ही डू द फर्स्ट एक्ट इन अटेम्प्ट? एब्सोल्युटली ही डिड द फर्स्ट एक्ट इन अटेम्प्ट. दैट इज द रीजन यू विल होल्ड हिम लायबल फॉर 307. नाउ सी, वही बात है कि यू आर नॉट नेसेसरी, यू आर नॉट सपोज टू डू द पेनल्टीमेट एक्ट, यू आर नॉट सपोज टू हर्ट एनीवन, यू आर नॉट सपोज टू, you are just supposed to do to hold anyone liable, you are just supposed to examine whether he has committed the first act in the stage of attempt. If that is the case, then you will hold him liable. Theek hai. Now what will be the test? Ab ye ho gaya ki hum kaise manenge ki kiske hisab se attempt, kya mere hisab se? Ab attempt bhi subjective hota hai na. For instance, in this case, that fellow thought that he was in the stage of attempt. Ab jab hum yahan example dekh rahe hain, hame pata hai ki gun locked thi, hame to lag raha hai ki wo attempt stage mein tha hi nahi. So ab test kya hai? What will be the test? Test kya hai? Sir, the test would be what a ordinary person or reasonable person would have done in the similar circumstances. Absolutely. The test will be of a reasonable person. So you will see whether the accused did as much act as the reasonable person must have done. Whether the accused did as much act. Wait, there is this question about the last illustration, theft ka hai na Sarthak, if I'm not wrong. No sir, the in which he shoots and the gun is locked, sir uske andar kya hoga first act? Where is it? Steals wala na ye jo upar wala jo maine bola, jo abhi maine bola. Yes sir. I thought in this section you're talking about. When will be the first act? First act is the moment he shoots. That is the first act. The moment he shoots, that is the first act. ठीक है. अब ऐसे बहुत examples मैं देता जाऊंगा आगे. I have listed around 10 cases because this topic is very tricky and कभी कभी questions आ जाते हैं mains में and people tend to not understand what is an attempt and what is a preparation. So I have jotted down various examples. Okay, this is clear? Yes, sir. Okay. Now, how do you analyze what was the last act which the accused did? Now how do you analyze the attempt? So the other way of looking at is what was the last act which the accused did? What was the last act? Matlab, if you want to, agar aapko samajh nahi aa raha ki what is the difference between preparation and attempt? So, ek simple cheez hai. Aap ye dekho ki what was the last act did the accused do? So, was their intention manifest? Intention to commit this particular offense manifest in that act? If the intention to commit the offense was manifest matlab dikh raha hai ki yahan is bande ko ye act commit karna hai, to agar us act mein manifest hai, then it will be certainly in the stage of attempt. Fir aap dekhoge ki ha yaar ab intention to tha, but ye fail kyu hua? Why did the act fail? Now, if it was due to some independent factor, koi aur cheez ki wajah se, jaise A is shooting B and suddenly koi dusra banda aake usse dhakka de deta hai and these independent factors which are beyond his control,
then obviously he will be liable for criminal abetment. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि what if preparation is complete but commission जो है वो है impossible act का. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? Now for instance that there is this fellow, he is sleeping. ठीक है, यहां पर ऐसे सोया है एंड ऊपर चादर ओढ़ी हुई है. अब एक्चुअल में देयर इज नो पर्सन एज सच एंड ए बिलीव्स हिम टू बी अ पर्सन. ठीक है, अंदर ये सिर्फ पिलोज है. ए बिलीव्स दिस टू बी बी और बी समझ के उसे शूट करता है. एंड जब खोलता है ए एंड ही फाइंड्स दैट इट इज नॉट बी, वेदर ए विल बी लायबल फॉर अटेम्प्ट. नाउ कमीशन इज इम्पॉसिबल, मतलब जब जहां पर सब्जेक्ट मैटर ही एब्सेंट हो जाता है, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है इज एब्सेंट. Pranav says yes, transfer of malice. Nahin, there is transfer of malice as in pillows hai na. He hasn't killed anyone. He hasn't shot anyone. Anyone? Snigdha says mensrea exists. Okay. I don't think he will be liable. Okay. Anyone? I want most of you to participate. Sir, if we apply the previous test which you gave, that if it fails due to some independent factor which is beyond his control. So it is beyond in control. किसी ने तकिये रख दिए, अब उसको लगा कि B है. Yes, sir. Then, it should be attempt. He should be liable. See, ठीक है. I want most of you to answer. तो थोड़ा interesting होगी ये conversation. A motive was behind shooting. If there was person, he would have hurt or dead. Absolutely, Ajay. Or? Anyone else? See, ठीक है. ये इलस्ट्रेशन पे बाद में आते हैं. पहले एक बार आप इलस्ट्रेशन, आप 511 में एक बार इलस्ट्रेशन कौन सी है, इलस्ट्रेशन ए देख लो, इलस्ट्रेशन बी देख लो. ठीक है, आप इलस्ट्रेशन ए में हो, सॉरी इलस्ट्रेशन बी में हो. आर यू गाइस इन इलस्ट्रेशन बी? अब ए क्या कर रहा है, ए इज अटेम्प्टिंग टू पिक पॉकेट जेड. अब उसकी जेब में जैसे हाथ डालता है, ही डज नॉट फाइंड एनीथिंग. अब यहां पर भी एक सिचुएशन हुआ वेयर इन देयर इज एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. Will you hold him liable for attempt? The answer, obviously, you must have read that the answer is yes. In this case, you will hold him liable because he is in the stage of attempt. Preparation ho gayi hai, and obviously he has the intention to commit this offense. So he will be held liable even if the commission would have been impossible. Kabhi janam mein wo Z ki chori kar nahi pata tha, ki Z ke paas kuch hai hi nahi. Still, even if there is an absence of subject matter, still we will hold him liable for attempt to theft.
Now, why is though is law being so harsh? ये क्यों है? Is law being harsh? No, sir. Law is just deterring the person from committing that act. Okay, but he hasn't yet committed the act. Sir, he might have committed if the things was there, the valuable instrument was there. Sir, yes. Pranav, मैं आता हूँ वहाँ तक उसमें थोड़ा ट्रिक है एक और एंड थोड़ा इलैबोरेटली आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एक्सप्लेन इट टू एवरीवन इन फैक्ट थोड़ा आगे जाएं अब मैं लॉजिक पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों हम इस केस में पनिश कर रहे हैं व्हाई आर वी होल्डिंग हिम लायबल सर मैं आई सर श्योर आदिया इन माय ओपिनियन सर वी हैव टू सी द पर्सन हु इज कमिटिंग एन ऑफेंस whether it is in attempt mode or it is in full commission mode. We have to see one thing, that is the person have successfully give their performance 100% or not. If he has given their act 100%, then we will put that into a attempt category. Otherwise, we will put in preparation category, sir. Okay. अगर उसने पॉकेट में हाथ डाल दिया तो वी विल से दैट द पर्सन हैज कमिटेड टू द फुलेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी पूरी तरीके से उसने अपना पूरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन दिखा दिया है वो ऑफेंस कमिट करने के लिए यही कहना चाह रहे हो ना आप यस सर ठीक है एनीवन एल्स ठीक है देखो कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनकोहेट ऑफेंसेस या इनकम्प्लीट ऑफेंसेस Now, the policy and attempt is one of them. Now, policy in such offenses is that in such cases, even if the offense is actually not committed, the law steps ahead. Ek kadam aage badh jata hai, khud law ek aage badh jata hai to punish the person beforehand. अब ये क्यों करता है टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग दिस ऑफेंस अगेन क्योंकि जिस इंटेंशन से उसने किया तो ये उम्मीद है कि ही माइट कमिट द ऑफेंस अगेन टू मेक श्योर सो द लॉ डज नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क एंड टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द सच एन ऑफेंस द लॉ टेक्स अ स्टेप फर्दर ठीक है अब इसमें एक ट्रिक है sir, aren't most offences wait? Also, sir, aren't most offences in IPC dead are incoherent? Not most of them. For instance, 120A is incoherent. Before commission of the actual offence, you are holding a person liable. Abetment is an incoherent offence. Not all, but हाँ, काफी हद तक हैं कुछ offences. Now, अब इसमें एक trick है. अब trick ऐसी है कि पहले थोड़ा ये समझ लो कि जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था रिमेम्बर तकिए वाला यहां तकिया यहां तकिया यहां तकिया एंड ए शूट्स दिस पर्सन एंड मैंने बोला था कि हेयर आल्सो द सब्जेक्ट मैटर इज एब्सेंट विल यू होल्ड हिम लायबल फॉर अटेम्प्ट अब सोचो कैन यू प्लीज रिपीट ओके नाउ सी ए बिलीव्स दैट बी इज स्लीपिंग हियर ए इन हिज फुल कॉन्फिडेंस बिलीव्स दैट बी इज स्लीपिंग हियर अब इसके ऊपर चादर रखी हुई है एंड यहां पर 3 पिलोज हैं इट अपीयर्स टू बी अ पर्सन सिटिंग स्लीपिंग बट एक्चुअली दे आर ओनली पिलोज एंड ए शूट्स ऑन दिस पिलोज विल ए बी लायबल फॉर अटेम्प्ट ऑब्वियसली यस सर ओके
because he has acted to the fullest of their ability to kill V. So for the offense, we need two things. One is actus, second is mentus. Both are fulfilling. Mens rea is there and actus is there. Okay. Anyone else would like to? Sir, can you please repeat the example? Yeah, sure. See, what is happening here? A has an enemy, and this enemy is B. Now, A goes to B's house, and he sees on his on B's bed this fellow sleeping, B sleeping. He believes B to be sleeping on this bed. But in actuality, क्या होता है यहाँ पर pillows रहते हैं, एक चादर ढकी रहती है और अंदर pillows रहते हैं. There is no human as such. A shoot करता है यहाँ पर. Obviously, pillows हैं तो no one dies here. Will A be liable for attempt to murder of B? So I don't think he will be liable because like the previous example, he knew that he thought that B is sleeping there, so mens rea could be clearly established. But here we just know that they are enemies, so we cannot establish the mens rea. Okay. Anyone else wants to contribute? Theek hai. See, in this case, ideally, had it been any other country, had it been any other place, you would have hold A liable. And in jurisprudence sense, A has actually committed attempt. But after examining various Supreme Court cases, the conclusion becomes clear that jis offense mein incomplete jis offense mein impossible commission hai usko hum tabhi punish kar rahe hain jab wo relating to property hai. If it is relating to person, the courts are not punishing it. ठीक है, अब इसमें कुछ examples हैं. I'll give you a few of them. Wait. ठीक है, for example, now for instance, in a case wherein A thought that there is a log. Sir, is there any illustration? An illustration apart from which talks about impossible? Illustration as in? Is there an illustration apart from 511 which talks about impossible offenses? Impossible offenses cannot be offenses. Impossible commission hoga na. Ab unka example hai, jaise for instance, A. No, impossible commission होता है ना. For instance, जैसे ऐसा कोई illustration नहीं है. For instance, अभी जैसे आप A believes fire log, एक लकड़ी का टुकड़ा बहुत बड़ा, उस A को लगता है कि ये उसका enemy है, which is B, and he accordingly shoots him. Now see, ideally these acts are attempt. Agar aap dekhoge, these are acts are attempt, but in India courts have not held people liable for attempt. Theek hai, ab for instance there is this case, aur ye bahut hi interesting case hai aur ye Haryana mein aksar aata hai. For instance, A administers drugs to B's wife, and she is pregnant. Now these
drugs are administered to cause abortion. But in actuality, she was not pregnant at all. It was just the belief of A. Even in this case, अभी इसमें कमीशन इज इम्पॉसिबल ना, ऑफेंस तो आप मिसकैरेज इसमें कमिट कर ही नहीं सकते. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड, इट वाज हेल्ड नॉट गिल्टी, ए वाज हेल्ड नॉट गिल्टी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन दीज अटेम्प्ट्स आर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, व्हेन दीज इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स आर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, दे हैव हेल्ड लायबल. इन फैक्ट स्पेसिफिकली अगर सेक्शन 511 की इलस्ट्रेशन में ही थेफ्ट वाला एक इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है, क्योंकि जेड का अगर पॉकेट में देखोगे, उसके पॉकेट में कुछ था ही नहीं, तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर ए टू कमिट एन थेफ्ट इन दैट केस. अब इसके दो व्यू हैं. Both have to be reconciled, obviously, jurisprudence level pe. See, as such, I actually, to be honest, there is so much of conflict in this area that you cannot understand the rational why there is a difference between body and mind. But there are two views to it, and abhi difference ka to view nahi hai, but there are two views to the aspect of impossibility. That first aspect is the impossibility should not be punished. A pehla set of jo ye hai, pehla view hai, jo pehla set of jurisprudence view hai, wo bolta hai ki impossibility ko aap jo impossible attempt hai, attempt to commit an impossible act, that should not be punished. Ab is mein bhi they are differentiating between two impossibilities. Wo bol rahe hain agar impossibility absolute hai to aap punish mat karo, agar relative hai to punish karo. Ab relative impossibility ye thoda naya concept aa gaya. Ab iska kya matlab hua? Ab for instance, A wants to kill B and he gives him less doses of poison. Ab ye poison se doses kam hai to B marega nahi. Now since his B's death is impossible, so whether you will not hold A liable. Now this view says that you will hold A liable because this is an act of relative impossibility. Absolutely impossible nahi hai B ka marna. हाँ, अगर कुछ ऐसा हो गया तो शायद बी मर भी सकता है. सो दिस इज अ रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. नाउ सेकेंड व्यू इज इफ द ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, now second view says that if the object is absent, then also a person should be held liable. If object absent hai, then also a person should be held liable. For example, A sees a shadow aur use lagta hai ki yaar ye to B khada hai, and B is a person whom he hates, and A goli chalata hai B ke upar, shoot karta hai usko. Now, इधर क्या है कि एक्चुअली में जो बी है वो एबसेंट है. द ऑब्जेक्ट इज एबसेंट, बी इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एबसेंट. नाउ क्या हम फिर भी ये ऑफेंस मानेंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. एंड बिकॉज दिस व्यू इज नॉट कन्विंसिंग इनफ. ठीक है. नाउ देर आर वेरियस केसेस जहां पर काफी चीजें हुई हैं. द फर्स्ट केस रिलेट्स,
I'm very sorry to interrupt. I have a question in this regard. Sure. आपने बोला कि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर में मेंस रिया भी होता है तब भी इट इज डिस्कार्डेड कि द पर्सन इज नॉट पनिश्ड बट देन वी नो दैट एक्सेप्शंस टू मेंस रिया में अटेम्प्ट टू रेप अटेम्प्ट टू अबडक्शन किडनैपिंग ये सब एक्सेप्शंस टू मेंस रिया में होता है तो वहां पे अगर मेंस रिया हुआ वो क्यों पनिशेबल होगा और अटेम्प्ट टू मर्डर में अगर मेंस रिया हुआ तो वो क्यों नहीं पनिशेबल होगा नहीं मैंने ये नहीं मैंने ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर में मेंस रिया होगा तो दैट विल बी पनिशेबल दैट विल नॉट बी इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेंस रिया दैट विल नॉट बी पनिशेबल मैंने कहा कि इफ सी क्या हो रहा है यहाँ पर सी ये प्रिपरेशन स्टेज है ये अटेम्प्ट स्टेज है और ये कमीशन है मैंने कहा कि अगर कमीशन इम्पॉसिबल है अगर सपोज फॉर इंस्टेंस आपने ये एक्ट कमिट कर ही नहीं पाओगे जैसे ए शूट कर रहा है बी को और उसे लग रहा है कि ये शैडो है बी शैडो उसे शैडो में बी दिख रहा है एंड वो शूट कर रहा है उस शैडो को बी समझ के नाउ इन नो डायमेंशन और इन नो एरा ए बी को मार पाएगा This act, the ultimate commission here is impossible. Are you understanding now? So now the question arises whether since the commission is impossible, kya hum A ko attempt ke liye liable kar sakte hain? Are you understanding? Yes, sir. In this regard, I would like to bring forth one more view. Just suppose, for example, kidnapping ke case mein, A ko B ko uthana tha, lekin wo C ko B samajh ke wo C ko utha ke leke aa gaya. Tab A liable hoga ki nahi liable hoga? Kyunki usne kisi ko to uthaya hai. Absolutely, he'll be liable. That is transfer of malice, na? Okay. That is a different issue altogether. Okay, sir. Thank you. Sir, I have a question, sir. Yes, Adya. By this theory, if suppose I am taking a hypothetical example, sir, if A is a person who wants to commit a rape to B, okay, A know that he can't do so because he is an important person, but he is frustrating from the act of B. So when A try. When he tried to rape that girl, so will he commit attempt to rape or not? But because ultimate commission is impossible because he is an important person. So nahi, zaruri nahi na. Ultimate commission is not impossible. See, rape is not only penetration by penis. It can be penetration by any act, any object. Are you understanding? Impossible as in impossible, completely impossible. वही तो मैं बोला उन्होंने पहले ही difference बता दिया था ना कि relative impossibility और absolute impossibility में फर्क क्या है. So जब मैं बोलता हूँ absolute impossibility तो act commit हो ही नहीं सकता. In by no means हो ही नहीं सकता. Okay sir, got it sir. ठीक है, is this clear? Should we proceed? Yes sir. Now इसमें सबसे पहले Yes. I'm sorry to interrupt, sir. Yes, sir. Sir, you said if the object is absent, sir, then also the person should be held liable, sir. Object absent होगा, एक बार ये वाला चीज clear कर देते. हाँ, नहीं, ये मैंने बोला था कि ये दो view हैं. See, to be honest, ये part जो है ये aspect of impossibility commission. ये कहीं पे इसका एक स्ट्रिंजेंट आंसर नहीं है. नो जजमेंट, नथिंग. वेरियस ऑथर्स, वेरियस जुरिस्ट्स हैव देयर ओन व्यूज. अब इस सारे व्यूज को अगर मिलाएंगे तो दो व्यूज निकलते हैं. तो उनमें से एक व्यू है, अगर सारे व्यू को मिलाएंगे तो उनमें से एक व्यू बोलता है कि भाई देखो, एक्ट इम्पॉसिबल है तो इट शुड नॉट बी पनिश्ड. ठीक है, अब इसमें भी उसने बोला है कि भाई देखो, इम्पॉसिबिलिटी दो तरह की होती है, रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी और एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी.
जो इम्पॉसिबिलिटी मैं बात कर रहा हूँ वो होनी चाहिए एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी की, रिलेटिव नहीं. थोड़ा भी चांस नहीं होना चाहिए कि ऑफेंस कमिट हो पाए, थोड़ा भी चांस नहीं होना चाहिए. देर इवन मतलब जैसे 100% एक चीज इम्पॉसिबल होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन से ओके फाइन दिस पर्सन इज नॉट लायबल फॉर अटेम्प्ट. अब सेकेंड एस्पेक्ट है, सेकेंड एस्पेक्ट रिलेट्स टू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कोई वेटिंग में है लग रहा है. Sir, sorry to interrupt. I have confusion regarding that shadow illustration. Sir, there is a possibility in that case, A suits B, B shadow. So whether he would be liable or not, that is not clear to me. Yeah, yeah, sure. He will not. Whether that would be relative. That would be an absolute. Or, that is an absolute impossibility. No, koi by no means B वहाँ पर आएगा. It's a shadow. ठीक है. But sir, sorry. Yeah, sure. इसका जिसके shadow पे उसने shoot किया, अगर वो इंसान लगा सकता है उसपे charge, A पे charge की, like वो गोली तो मुझे भी लग सकती थी. नहीं, उस shadow में उसे लगा कि B है. हाँ, लेकिन shadow किसी और का था ना, B का नहीं था, maybe C का था, तो can C charge A with attempt? No, he had no intention for that, ना. Okay. But if what if uske C ko goli lag jati then it would have been a case, I think. Then it would have been a situation altogether. Okay. ठीक है. अब second है कि when the object is absent. अब ये जो second view है ये बोलता है कि अगर बस if the object is absent, अगर object absent है तब भी liability create होगी. Then also liability will be created. अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसमें इफ यू एनालाइज ऑल द केसेस यू डू नॉट फाइंड देयर लॉजिक वेरी कन्विंसिंग एंड दिस लॉजिक इज सपोर्टेड बाय योर इलस्ट्रेशन बी ऑफ 511. क्लियर है? सार्थक? यस सर. सर मैंने ऑब्जेक्ट को सर इंटेंशन से कंफ्यूज कर दिया था, नॉट दैट एब्सेंस ऑफ. नहीं नहीं नहीं, इंटेंशन नहीं, ऑब्जेक्ट. ओके सर. अब केसेस पर जाते हैं. तो फर्स्ट केस रिलेट्स टू मिसकैरेज. अब सी मिसकैरेज इज वेट लेट जस्ट गिव मी अ सेकंड. फर्स्ट केस रिलेट्स टू मिसकैरेज एंड इट इज Asgarli Pardia. Let me find out. Just give me a second. हाँ. अब see. अब इसमें Asgarli Pardania versus Emperor. Now. In this thing, what happened that this fellow A, he administered certain poison and some substance, not exactly poison, some substance to miscarry this woman. Now, in actuality, that this woman B, she was not pregnant. Now, in this case, it was held that the act was not done towards the commission of offense, the main element. So that is the reason they were not held liable. Okay, is this clear? And then comes this case of सबसे important case है जो which is sir can you repeat yeah. that case yeah case name sir rational what was the reasoning
given in that case? The reasoning was that since the act was not commits toward the commission of offense. Okay, sir. Thank you. Theek hai. And then comes Abhayanand Mishra. ये आप बहुत बुक्स में फाइंड करोगे वर्सेस स्टेट एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट केस. इसके फैक्ट भी थोड़े इंटरेस्टिंग है. देर इज दिस पर्सन, ही वॉन्ट्स टू गिव एन एग्जाम एंड ही वॉन्ट्स टू गिव एन एग्जाम फॉर द दिस पोस्ट मास्टर का पोस्ट. ही गिव्स हिज डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, अपनी ग्रेजुएट डिग्री देता है और साथ ही साथ में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है. And when the authorities vet the document, they find that this fellow is not graduate. And ultimately, they do not allow him to sit in the examination. अब बताओ उसने क्या किया? Preparation क्या था? प्रिपरेशन था वो डॉक्यूमेंट प्रिक्योर करना, फेक डॉक्यूमेंट्स. जब उसने जैसे ही दिए वो डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही उसने सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स, सो यहां हो गया अटेम्प्ट टू चीटिंग. अब सबमिट किए, अब सिर्फ बनाना या फॉर्म भरना चीटिंग नहीं है. अब उसने फॉर्म भरा और उसने सबमिट नहीं किए. नाउ ही कुड हैव टेकन इट बैक. जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि जब आप वापस नहीं जा सकते, दैट बिकम्स एन अटेम्प्ट. अब उसने एक बार सबमिट कर दिया, वो वापस नहीं जा सकता वहां से. सो दैट इज द रीजन ही वाज हेल्ड फॉर अटेम्प्ट. इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक है. और एक सबसे इंटरेस्टिंग केस है, वेट, टी मुन्ना रत्नम. अब इनमें से आप यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ केसेस फ्रॉम हियर, स्पेशली मेंस में. मेंस में दे गिव यू द फैक्ट्स एंड देन दे आस्क यू डिसाइड. स्पेशली हरियाणा का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट से बेस्ड होता ही है. And because it is an area which is a little confusing, thoda hota hai. Ab isme kya hua tha ki there is this second accused. Now he had this clear intention. Uska ek clear intention tha ki yaar mujhe to is A ko marna hai. But his hand was shaking. Wo trigger dabata hai, but trigger dabta nahi hai. Because his hand was shaking in such a manner that he presses the trigger, but it does not release the bullet. So it does not push forward. So ultimately, kya hua? A nahi marta. And iske haath se, second accused ke haath se gun leke, first accused iske haath se gun leke, A ko shoot kar deta hai. Now, whether you will hold second accused liable for attempt. Anyone else? Yes, sir. I think he is liable. Yes, sir. He would be liable. ठीक है. Wait. ठीक है. Yes, he will be held liable because preparation complete हुआ and first act है. अब उसका दुर्भाग्य है and उसकी It's sad that his hand was shaking and the trigger could not be pressed, be properly pressed. But it was indeed an attempt. Yes, Sarthak. Sir, sorry to ask so many questions today. No problem. Are topic aisa hai. Sir, he was really scared. So, sir, that is the reason his hands were shaking. So, sir, there was some kind of hesitancy, sir, in him that he was hesitating to pull the trigger. So, sir, then why are we making him liable for this offense? See, hesitant as in...
यस आद्या यस आद्या सर इट्स नॉट मी ओ इट वाजंट यू हु वाज इट सॉरी सर ओके टेक केयर ओके नो प्रॉब्लम सी यू आर होल्डिंग हिम लायबल इसलिए नहीं क्योंकि हेजिटेंट था अब सी ही वाज शेकिंग बिकॉज़ ही वाज शूटिंग अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम अब मजे की बात यह है कि एक्ट भी इम्पॉसिबल तो है नहीं अगर लग जाती थी तो अगर पॉसिबल होता तो दिस वाज अ पॉसिबल एक्ट सो इंटेंशन इज आल्सो विजिबल द फैक्ट दैट ही पुल्ड द ट्रिगर सिर्फ शेकिंग से आप ये नहीं एनालाइज कर सकते कि ओ दिस पर्सन डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन एंड सर कैन वी से लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन मर्सी या एब्सोल्युटली लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन मर्सी लॉ इज लॉ ठीक है एंड एक और अच्छा केस है हाँ एक आर वर्सेस पीटरसन है अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है इसमें क्या हुआ था दिस ए इज अ मैरिड मैन अब इस भाई ने क्या किया इसने अपने कार्ड छपवाए मैरिज के विथ बी और इसने बोला कि आई एम गेटिंग मैरिड विथ बी ऑन सो एंड सो डेट और उसने पूरे मोहल्ले में बांट दिए Now, whether this will be attempt to bigamy. Guys? No, sir. Because if you see the case of Aditya Mishra, Anand Mishra, yeah. He has a chance to get back from the Commission of Offence. ठीक है. Absolutely, he has the chance to get back from the commission of the offense. उसके पास chance है. So, जब आपके पास chance हो, that won't be an attempt. ठीक है? और एक और important, just give me a second. एक important case था. Sir, can in the previous example, can wife of A sue him? On the basis of mistrust, wife mistrust as in mistrust कोई offence थोड़ी है, criminal breach of trust है, but कोई property involved नहीं है. तो yes okay sir. अब एक है बहुत ही interesting है, अब हाँ एक important case, Bharatu versus Emperor. Sir sorry to interrupt. No problem. Sir in last case. अगर केस ऐसा होता कि ए ट्राइड टू मैरी जेड और बी एंड ही हैज प्रिपेयर्ड ऑल दिस दे वर इन टेंपल एंड द पुलिस इंटरवीन्ड हिज वाइफ इंटरवीन्ड विद द पुलिस एंड दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट द मैरिज सो इट वुड बी इन फैक्ट अगर ऐसा होता लेट मी पेंट द सिनेरियो फॉर यू अगर ऐसा होता कि ए इज मैरिंग बी एंड सप्तपदी करने जाते हैं सप्तपदी के टाइम सिर्फ ए एक फेरा लेता है वन फेरा और फिर सडनली पुलिस आ जाती है इंटरवीन कर लेती है यस ए वुड बी लायबल फॉर अटेम्प्ट टू बाइगैमी ठीक है अब एक केस है Bharatu वर्सेस Emperor. अब इसमें क्या हुआ था कि accused caught hold of a girl. He caught hold of a girl. ठीक है. And what did he do? He put sand in her mouth. ठीक है. And he got on her chest. And attempted to have intercourse with her. She resisted. She cried. Now, whether this will be an act of attempt or preparation?
or it will be just an act of outraging the modesty of women? Sir, in the fact itself, it is written the attempt to rape, so it is a case of attempt, sir. Absolutely, it is a case of attempt to rape. Now, एक बहुत ही interesting है. अब यहाँ से थोड़ा यहाँ से ही ट्रिक स्टार्ट होती है एंड दिस इज द वन जिसको जो बहुत ही गड़बड़ा देता है काफी लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी. सुरेंद्रनाथ दास वर्सेस एम्परर. अब इसमें क्या हुआ था, अब इसमें फॉर इंस्टेंस ए ने पॉइजन डाला एक ग्लास में. देयर इज अ ग्लास, ए ने पॉइजन डाल दिया, ये पॉइजन डाल दिया, फाइन. और ही एक्सपेक्ट्स दिस टू बी, ही एक्सपेक्ट्स बी टू ड्रिंक इट. अब सी बहुत भला आदमी, उसने क्या किया, ये पॉइजन पोर आउट कर दिया. अब ए स्टिल बिलीव्स, ए को अभी भी लग रहा है कि इसमें पॉइजन है. एंड बी ड्रिंक्स इट. विल ए बी लायबल फॉर अटेम्प्ट? Can you please repeat? Sure. अब क्या होता है, ए एक ग्लास लेता है और उसमें पॉइजन डाल देता है, ठीक है, और उसमें पॉइजन डालता है. एंड वो पॉइजन इसलिए डालता है जिस तरह बी है, बी पी ए, सो दैट बी इज सपोज टू ड्रिंक इट. जिस तरह बी पी ए, वो चाहता है कि बी ये पॉइजन पिए और बी मर जाए. Now sees this happening. C देखता है ये सब होते हुए और C क्या करता है, C poison pour out कर देता है, poison के जगह पानी डाल देता है. And B drinks water. Whether A will be liable for attempt to murder? Sir, A handed over the glass of poison to B himself or by through any means? Himself, then absolutely he is liable, sir, because he is, according to Anand Mishra case, he is not chance to get back. ठीक है. Sir, there is absolute impossibility, so I think he would not be liable. Okay. Anyone else? Yes, because A does not know, he will be liable. The answer is A will be liable. He has done all the acts of attempt the moment he administered the poison. अब किसी independent चीज से उस बेचारे का act रुक गया, तो उस बेचारे की क्या गलती, मतलब गलती तो है ही, पूरी गलती है उसकी, but किसी independent act से commission रुक गया, so you will not you will have to make him liable. ठीक है. एक important, any doubts? अभी तो यहां तक कुछ doubts हैं? ठीक है. एक थोड़े facts tricky हैं इस case के, so bear with me here. The case is state of Bihar versus Bhagwat Prasad. अब इसमें क्या होता था कि wait, ये वो केस नहीं है. Wait, just give me a second, just let me check कि ये वही है या नहीं. नहीं, this is not the case. Check guys, ये नहीं करते, ये अलग है, ये करते हैं. जीवन दास वर्सेस एम्परर, ये काफी आता भी है काफी जगह पे. अब इसमें क्या हो रहा है कि ए ने एक एक्स ली और वो एक्स ऊपर उठा के, ऊपर मतलब ऐसे सर पर उठा के, ऐसे सर पर उठा के वो बी के पीछे भागने लगा. ही रन्स आफ्टर बी.
Now, will you hold him liable? Sorry, after we, for what purpose? Killing or for apprehension? For hitting him. So liable for what? Attempt to murder or attempt to assault? Attempt to cause grievous hurt. No. Socho. You will hold him liable, na? The moment usne axe aise uthai, aise lift ki, and he ran after B. He has committed an attempt. Yes. He is in the attempt. Had he only ran after him, tab aap nahi bolte the, theek hai ki yaar bhag hi raha hai, kuch aisa nahi hai. But the moment he lifted his axe, so he is in the attempt mode. Preparation se attempt mein aa gaya. Yes, Sarthak. Sir, assault nahi ho gaya bhai. असॉल्ट नहीं, देखो क्या उठा क्या रहा है वो बंदा, एक्स उठा रहा है. अगर मारता था तो उसे असॉल्ट, वैसे असॉल्ट तो होगा ही होगा, दिखा रहा है बट दिखा नहीं रहा, वो भाग रहा है ना उसके पीछे. For increasing punishment of that guy, we can charge another. You will hold him liable for 326 red with 511. ठीक है, अब एक और हजारा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों को, अक्यूज्ड पर्संस को देखा गया था बॉर्डर पे टिन केस लेते जाते हुए. ठीक है, अब रेडिंग पुलिस आ गई वहां पर रेड लगाने के लिए. अब बॉर्डर की तरफ, मतलब पाकिस्तान की तरफ जाते हुए, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, अब कुछ ही वक्त में रेडिंग पुलिस आ गई. और इन्होंने क्या किया, जैसे ही रेडिंग पुलिस को देखा, ये पीछे मुड़ गए एंड दे रैन अवे. रेडिंग पुलिस ने इनको बहुत चेस किया. ठीक है, अब अल्टीमेटली दे वेंट टू देयर हाउस एंड दे फाउंड दैट That in 10 cases, जो 10 के केस में थे, करेंसी थी. Will they be held liable for attempt to smuggle currency? Yes, sir. They will be held liable as they were step back just because the police reached there. Otherwise, they would not have. Absolutely. They will be held liable. Also, he is in the sensitive area. So currency as in black money. Yes, Nigda. ठीक है. And ये भी कर दिया हमने. एक सुधीर कुमार versus state of West Bengal. Yes, Riyansh. Sir, I am having one problem that in the earlier case of X wala, we have taken into consideration the taken it back wala principle. We can say that it might have taken back. Nahin, they are already able to understand these two concurrents. Nahin, they are already in the attempt stage, na? They are already in the attempt stage. Wo khud sirf unhone. वो ऐसा नहीं, वापस नहीं आ सकते थे. जब भी उन्होंने, जैसे ही उन्होंने ये लेके जाने का किया, द मोमेंट जब उन्होंने लेके जाने का करेंसी लेके जाने का, जैसे ही लेके जाने गए बॉर्डर की तरफ, दैट मोमेंट इटसेल्फ दे आर इन द अटेम्प्ट स्टेट. बॉर्डर के इतना क्लोज है, वो वापस नहीं जा सकते थे. उसने जैसे ही उठाया तो हम ये मानेंगे कि यार वो मारने के लिए उठाया होगा, बिकॉज ही इज रनिंग आफ्टर हिम. सो जब भाग रहा है और ऊपर उठा रहा है, सो ऐसे नहीं बोल सकते कि वापस जा सकता था, बिकॉज ही इज इन सच अ पैशन, ही इज इन सच अ पैशन. तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो उस दौरान वापस जा सकता था. देयर वुड बी द पॉसिबिलिटी ना, ही माइट हैव टेकन द एक्शन एज इट. अगर कोई आपके पीछे भाग रहा है एक एक्स लेके, सो हाईली इम्प्रोबेबल दैट आप
he would take a back. हाँ, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए उस दौरान, तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इंडिपेंडेंट ऑफ इट ऑफ द पॉसिबिलिटी है. तो इंडिपेंडेंट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे ना. ठीक है, तो अब आ जाओ सुधीर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पे. अब इसमें अब तीन पार्टीज हैं, ये समझ लो. पहला एक है एम. अब एम एक एम्प्लॉय है. एम एक एम्प्लॉय है सोडा लाइम डिपार्टमेंट में. सोडा लाइम डिपार्टमेंट में कंपनी के. दूसरा है एस. एस सप्लाई करता है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन सप्लाई करता है इस कंपनी को. एंड तीसरा है ए. अब ए इज सुपीरियर टू एम. अब यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है कि एस सामान लाएगा, एम को देगा, एम इससे चालान लेगा और ए से साइन कराएगा, ए साइन करेगा और वापस चालान एम को जाएगा और एम ये चालान एस को देगा और एस कंपनी के अकाउंटेंट के पास जाएगा और पैसे लेगा. यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ये होता है. डिड यू गाइज अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडी? नॉर्मली क्या होता है? शुड आई रिपीट इट? यस प्लीज. ठीक है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है कि एस जो सप्लायर है वो गुड्स लाएगा, जो लाइमस्टोन है. हर दिन का उनको 4 लाइमस्टोन चाहिए रहता है, 4 बैग्स ऑफ लाइमस्टोन. सो नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी है कि एस जाएगा, एस ये लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन भी देगा और चालान भी देगा एम को. एम क्या करेगा, ये चालान इससे साइन कराएगा, ए से. जैसे ही ए साइन करेगा चालान, तो एम ये चालान एस को देगा और ये एस इस चालान को इन कैश कराएगा. मतलब इस चालान के बदले उसे पैसे मिलेंगे. अब समझा? इज दिस क्लियर? ठीक है. अब एक दिन क्या होता है कि ये भाई साहब ने क्या किया, ये भाई साहब ने चालान लाया, एस खड़ा था, एम आया, एस ने चालान दिया. अब एम को भी पता है और एस को भी पता है कि डिलीवरी एस ने नहीं दी, सिर्फ चालान दिया, मतलब 4 बैग्स नहीं थे. अब एस एम को चालान देता है, ए चालान साइन कर देता है. अब जब ए 2 मिनट के लिए चेक करने आता है, एंड ही बिकम्स अ लिटिल सस्पिशियस अबाउट ऑल दिस थिंग. ए बोलता है कि 2 मिनट में नीचे चेक कर लूं. द मोमेंट ही चेक्स ही फाइंड्स दैट यहां पर लाइमस्टोन का स्टॉक ही नहीं है. जो 4 लाइमस्टोन वो लाने वाला था वो स्टॉक ही नहीं है, तो मैं चालान किसका दूं, तो मतलब मैं चालान किस लिए साइन करूं. तो इसलिए वो चालान साइन कर देता है और दे देता है. बट फिर जब चेक करता है तो इसको पकड़ता है पहले, और इन दोनों को पकड़ता है. एंड बिफोर इन कैशिंग ही इज कॉट. नाउ विल यू होल्ड ए एस एन एम लायबल फॉर अटेम्प्ट ऑफ कमिटिंग चीटिंग? सर, एस वाज गोइंग टू इन कैश द चालान. नहीं, ही डिडंट इन कैश इट येट. बट ही वाज ट्राइंग टू इन कैश. Sir, the moment he delivers challan to A for signing without delivering the goods, he attempted. Absolutely. So absolutely. The moment A signed, यहाँ से पीछे हट ही नहीं सकते आप. The moment A signed, it was done and dusted. The moment A signed, you would hold them both liable. ठीक है, इज दिस क्लियर? सर, व्हाट इफ ए डिड नॉट साइन इट बट द चालान रीच्ड टू हिम बट ही डिड नॉट साइन इट, वेदर दे वुड बी लायबल और नॉट? एज इन व्हेन चालान दे डिलीवर द चालान टू ए, आई एम डिलीवर द चालान टू ए बट ही स्टिल्स नॉट साइन इट,
So whether they would be liable or not? I believe they will be liable. Even then, they would be attempting cheating. Yes. वो भी first act ही है. Yes. वो भी first act ही है. I believe that we are done with most of the aspects. Let me check कि कोई case रह तो नहीं गया. And then we'll move on to 124A. I believe I've covered most of the act. सिर्फ एक part रह गया है. वो है कि if you read the section carefully, it says that an offense punishable by this code. मतलब will 511 apply to special and local laws as well? Okay, the answer is no. 511 will not apply to special and local law. Special and local laws. 511 will only apply to offenses provided in IPC. So, 511, वैसे अगर local law में होता है, तो they themselves have a provision for attempt. अलग से एक provision लगाते हैं, जैसे वो स्मगलिंग वाले में they had this provision, a separate provision for attempt as well. So अगर local law में होता है, so there is a separate provision for offense attempt as well. But 511 specifically deals with offenses provided in IPC. ठीक है, अब एक aspect जो मेरा रह गया है, which is this aspect and जो बहुत ही important है. ओम प्रकाश, केसेस नेम इज ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट. अब इस केस में दिस इज अ 1961 जजमेंट. अब इस केस में दे वर डिस्कसिंग द लास्ट एंड प्रॉक्सिमेट एक्ट. लास्ट प्रॉक्सिमेट एक्ट से रिलेटेड केस था. अब इसमें डिस्कशन ये था कि देर वॉज दिस वाइफ, शी वॉज इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड एंड बाय हस्बैंड एंड जो मदर इन लॉ है दोनों ने. अब इतना इल ट्रीट कर दिया था इसको कि शी वॉज स्टार्व्ड फॉर डेज. काफी दिनों तक उसे भूखा रखा था. Ultimately, क्या हुआ? She escaped and she went to a hospital. And there, obviously, she was admitted as a patient. और उसका treatment हुआ. And जब treatment हो रहा था, तब उसका husband और उसकी mother-in-law आई and they urged the doctor to send her back home. The doctor denied. Doctor denied and she was in hospital and to reach a position of recovery, proper health ki position, recovery ki position pe aane ke liye, it took her around 10 months. Ab mujhe batao ki kis ke liye aap accused, husband aur uski mother-in-law को किस, क्या आप अटेम्प्ट के लिए लायबल करोगे? Yes, sir. Attempt to cause death by starvation. ठीक है. Anyone else? Yes, sir. Absolutely, you will hold them liable for attempt. The reason इसमें था कि there need not be a last proximate cause. इन्होंने ये किया था, इनका argument ये था कि this is not the last proximate cause. मतलब ऐसा नहीं कि अगला और चार दिन हम इसे starve रखते थे तो ये मर जाते, और एक दिन हम इसे starve रखते थे तो ये मर जाती थी. This is not the last proximate cause. Last proximate act हमने अभी तक commit नहीं किया, so we are not supposed to be held liable.
for attempt. The court held no. The court was not impressed by this pleading and the court held no. We are not concerned with last proximate act. आखरी एक्ट से तो हम कंसर्न ही नहीं है. हम ये देख रहे हैं कि whether you have committed first act in the attempt. And the answer to this was yes. And they were held liable for 307. अब ऐसा नहीं कि आप एक दिन किसी को खाना ना खिलाओ तो directly you'll be held liable for attempt to murder. Because again, you'll have to see the parameters of it. You'll have to be see the circumstances of it. ठीक है, is this clear? Any doubt? Any doubts with regards to this? अब see एक interesting controversy उठी थी, and this was around 1867 में. इतना important नहीं है, एक briefly मैं आपको बता देता हूँ, so that we can move on to 124A after this. Yes, Sarthak. Sir, I was asking that recently there was this Haryana woman in Haryana. Sir, woman in Haryana to thai sir ek controversy bhi thi ki attempt to suicide and when someone sits on this trike sir and say that kya kehte sir usko English mein ki dharne pe ha fasting karne lag jate hain ha sir uske andar bhi to sir ye ho sakta hai attempt, hunger strike yes sir. When hunger strike don't constitutes to attempt to suicide sir, तो उसके अंदर भी तो यही वाला अगर हम लगाएं तो they can be held liable. Hunger strike, sir, because they can retrieve any time, any moment they feel that. Yeah. This one logic is correct. They can retrieve at any movement. This is one aspect of it. ये बोल सकते हो आप. Sir, the similar reasoning was given in Santhara this matter also. Jain rituals. Okay. So, this one thing can be. I'll have to read on it. I haven't read on it. I'll read on it. ठीक है. So, अब दो मिनट यार. Where was I? हाँ, एक important point थी. अब दिस रिलेट्स टू 309 विच इज अटेम्प्ट टू सुसाइड. अब मैंने आपको सुसाइड पढ़ा दिया था, अबेटमेंट टू सुसाइड पढ़ा दिया था. मैंने आपको राइट टू डाई के एस्पेक्ट्स पढ़ाए थे. आई हैड टोल्ड यू दैट सी फर्स्ट इन पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दे रिलाइड ऑन बिजॉय इमैनुअल केस. एंड जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वेदर डू वी हैव राइट टू डाई इन इंडिया, सो आई टोल्ड यू दैट सी फर्स्ट इन पी रत्नम वर्सेस बिजॉय पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल. एंड उन्होंने बोला है कि एवरी पर्सन इफ अ पर्सन हैज राइट टू लाइफ, तो सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रांटिंग अ राइट टू लाइफ तो नेगेटिव राइट भी रहेगा विच इज राइट टू डाई. अगर आपके पास पॉजिटिव राइट है तो नेगेटिव भी रहेगा. अब ये इंटरप्रिटेशन उन्हें कहां से मिला? ये इंटरप्रिटेशन उन्हें मिला था बिजॉय इमैनुअल. डू यू गाइज नो बिजॉय इमैनुअल केस? यस सर. जे वाज विटनेस. They were not they were given yes national anthem case. Absolutely. In that case the court held that see 19(1)(a) mein agar freedom of speech hai to speech mein silence is implicit. To agar speech is a positive connotation to silence bhi which is a negative connotation wo bhi implicit hai. To inhone ye yahan ki topi yahan lagayi और उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. बट अब एक प्रॉब्लम है यहां पर. जब ये थ्री जजेस बेंच के पास आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, तो उन्होंने ओवरटर्न कर दिया.
अब उन्होंने ओवरटर्न इसलिए किया, उन्होंने ओवरटर्न इस बेसिस पे किया, दे सेड सी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर आप लिटरल एस्पेक्ट पढ़े, सो इट सेज दैट नो, अगर आप आर्टिकल 21 लिटरली पढ़े, इट यूजेस द वर्ड नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सो इसमें द स्टेट इज नॉट ग्रांटिंग एनी राइट, रादर ऑलरेडी वो नेगेटिव में ही है, ऑलरेडी वो बोल रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड. वो स्टेट को ड्यूटी बना रहा है, स्टेट के ऊपर ड्यूटी बाउंड कर रहा है कि किसी को आप डिप्राइव मत करो राइट टू लाइफ. तो ऐसे में नेगेटिव कनोटेशन नहीं आएगा क्योंकि हम कोई राइट दे ही नहीं रहे. फ्रीडम ऑफ स्पीच में there shall be a freedom of speech of every citizen, वो अलग से दिया गया. यहाँ पे no person shall be deprived, it is already a negative connotation. So इसमें you cannot implicit death in life. And इसलिए court ने overturn किया P. Ratnam. And ultimately came and 309 again became constitutional. अब problem क्या हुआ, अब again right to die was ultimately in a crisp manner was decided in Aruna Shanbhag's case, जो मैंने बहुत पहले discuss कर दिया था, and I don't think this is इस attempt to suicide में मुझे discuss करना चाहिए because it's very different, and मैंने culpable homicide में जब discuss किया था, so right to die with dignity वहाँ पर आया था, and the parameters for it, and ultimately the same was upheld in common cause. Common cause I haven't discussed. थोड़ा आगे जाके मैं एक बार discuss करूँगा. Now अब problem क्या है कि अब 2017 में एक mental health care act आया. इसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 115. अब उसमें जो स्टार्ट होता है, वो सेक्शन स्टार्ट होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन 309. तो क्या 309 कंप्लीटली रिडंडेंट है क्योंकि ये सेक्शन ओवरराइड कर रहा है 309 को? क्या 309 का कुछ बचा ही नहीं? The answer to this is no. ये सेक्शन बोल रहा है कि if you are committing suicide in severe stress, then notwithstanding anything, then it is overriding 309. Then you won't be held liable for abetment to suicide, attempt to suicide. Otherwise, you are liable for attempt to suicide. क्लियर है? इज दिस ठीक है? अब एक लास्ट चीज है जो बहुत ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट एग्जाम्स में आई डोंट वांट यू गाइस टू राइट इट, बट एक बार मैं बता ही देता हूं. इट इज व्हाट हैड हैपेंड अर्लियर, एक कैसिडी वर्सेस एम्परर में, कैसिडी वर्सेस एम्परर में 1867 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वो मैंने बताया था आपको एक केस की, फॉर इंस्टेंस ए इंटेंड्स टू शूट एट बी एंड ही प्रेसेस द ट्रिगर प्रेस कर देता है, बट क्या होता है कि जो गन है वो लॉक होती है, सो बी तो मरता नहीं है, ए इज हेल्ड लाइबल फॉर अटेम्प्ट. अब इस केस के लिए कैसिडी वर्सेस बॉम्बे ने बोला कि इसको 307 में नहीं लाइबल करते, वी विल होल्ड हिम लाइबल फॉर 511. अब इंटरेस्टिंग इनका इंटरप्रिटेशन ये था, 307 उसके लिए अप्लाई होता है जो प्रॉक्सिमेट लास्ट एक्ट है, लास्ट प्रॉक्सिमेट एक्ट.
और 511 उसके लिए अप्लाई होता है जो फर्स्ट एक्ट इन अटेम्प्ट है. और इन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया था कि इन एवरी ऑफेंस यू कैन पुट 511 और 307, आपकी मर्जी. या तो अटेम्प्ट 511 में भी डाल सकते हो या अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में अलग से डाल सकते हो. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? शुड आई रिपीट इट? नो सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग सर. क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस सर. तो इनका ये वियर्ड सा जो इंटरप्रिटेशन है दैट वाज नेगेटेड, एंड दैट वाज नेगेटेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट इटसेल्फ इन 1932, एंड इट वाज नेगेटेड इन वासुदेव बलवंत गोगटे वर्सेस एम्परर. अब यहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला कि बस इधर 511 डालोगे आप, इधर यू विल मतलब ऑब्वियसली व्हेन देयर इज 307, व्हेन देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन अवेलेबल, यू वोंट पुट 511. एंड 307 में लास्ट प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं, फर्स्ट एक्ट ऑफ अबेंडमेंट ही है. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर. अब एक बार पनिशमेंट देख लो इसकी, बिकॉज वो बहुत आती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वेट, आर यू गाइस इन 511? अब इट सेज दैट सी सॉरी हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस कोड, सो पनिशेबल बाय दिस कोड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ any description provided for the offense for a term which may extend to one half. So half of the imprisonment of life or half of longest imprisonment. Half of imprisonment of life or half of longest imprisonment for provided for that offense. Or with fine or both. अब लाइफ की इम्प्रिजनमेंट क्या है? एनीवन? 20 इयर्स. कहां पर प्रोवाइडेड है? सर 12 इयर्स या 14 इयर्स, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, प्रोवाइडेड कहां पर है कोई बताओ? Sir, we took it for the convenience, sir, because for the life, that's why we took it for the convenience, sir. What we sir, took? Section 55 of IPC mein diya hua hai, sir. Section 55 talks about life imprisonment, commutation of life, na? Ek bar 57 kholo mere hisab se, 57 mein diya hoga, I'm not sure, but shayad 57 mein mostly diya hoga. 57 में 20 years दिया है. अब 20 years is for fraction or computation basis. In actual life, in actual sense, जब मैं बोलू ना life, तो मैं बोलता हूं whole of life. Computation के लिए हम बोलते हैं, हाँ computation के लिए we are saying 20 years. जैसे इस case में you will have to compute, तो half of life imprisonment 10 years. ठीक है, is this clear? अब
सर फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट 14 इयर्स का होता है या फिर 20 इयर्स का होता है? लाइफ इंप्रिजनमेंट होल ऑफ लाइफ का होता है. इफ इट इज कम्यूटेड, अगर गवर्नमेंट को लगा कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो 14 इयर्स के बाद आपको छोड़ सकती है, वो उनकी इच्छा है, एंड वो छोड़ती है 433 में ऑफ सीआरपीसी में. सर जैसे कि हम लोग जब फॉरेन कोर्ट्स में देखते हैं वो लोग जजमेंट देते हैं, सपोज एक मर्डर अ पर्सन हैज कमिटेड 3 मर्डर्स एंड फॉर एवरी मर्डर ही गेट्स लाइफ इंप्रिजनमेंट, ही गेट्स लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर एवरी मर्डर 3 काउंट्स पे 3 टाइम्स ही हैज बीन इंप्रिजन फॉर 3 लाइफ इंप्रिजनमेंट. सो टोटल उसको कितना सजा काटना पड़ेगा? इफ ऑन 3 काउंट इज फॉर 3 लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर एंटायर लाइफ, फॉर एंटायर लाइफ. पनिशमेंट मिला है यहाँ पर. व्हेन आई से लाइफ इंप्रिजनमेंट आई मीन द एंटायर ईयर ऑफ एंटायर लाइफ ऑफ दैट पर्सन द अक्यूज्ड, जब तक वो जेल में मरेगा नहीं. अब इसमें स्टेट के पास एक स्टेट हैज द पावर टू कम्यूट, मतलब अगर स्टेट चाहे तो उसको 14 साल बाद छोड़ सकती है. अब उसमें उसका गुड कैरेक्टर देखोगे, नेचर ऑफ ऑफेंस करोगे. अगर जैसे आप बोल रहे हो अगर उसने 3 मर्डर किए हैं तो उसे छोड़ेगा नहीं स्टेट, तो कम्यूट तो करने से रहा नहीं. और दूसरा होता है कॉम्प्यूटेशन के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए जैसे हमें किसी दूसरे ऑफेंस के लिए हमें अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट पे रिलाई करना पड़े तो हम मानते हैं कि 20 इयर्स है, बट इन एक्चुअलिटी इट इज नॉट 20 इयर्स, इट इज फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द अक्यूज्ड. ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी मोर डाउट्स? ठीक है. सो फॉर अटेम्प्ट देयर कैन नॉट बी पनिशमेंट मोर देन 10 years. Yeah, in a way they cannot be a punishment more than 10 years. Depends. What if the longest punishment? वैसे longest IPC में क्या punishment है? 20 years ही है. 20 years का half भी करो तो भी 10 years ही होता है. नहीं, you can't consider death ना, because longest life imprisonment लिखा है. Longest imprisonment लिखा है वहाँ पर. दो चीजों का half है ना, या तो life imprisonment का half है ये लॉन्गेस्ट इंप्रिजनमेंट का हाफ है. उन्हें तो डेथ का तो हाफ हो ही नहीं सकता. सो यस, इन अ वे यू आर राइट. लॉन्गेस्ट इज 10 इयर्स. ठीक है, और डाउट्स रिलेटिंग टू अटेम्प्ट? Three zero three is declared unconstitutional because there was only death punishment, so it is declared unconstitutional. And 303 के लिए अलग से specific section भी है ना. 303 में तो क्या कर रहा है, a life convict is trying to commit a murder, so he will be held liable under 307. 511 आप नहीं लगाओगे उसको. यस यस सार्थक सर, व्हेन वी रेड ट्रांसफर ऑफ मैलेस वी आल्सो हेल्ड द अक्यूज्ड लायबल फॉर द पर्सन ही वाज इंटेंडिंग टू किल. सो सर एब्सोल्युटली वी अप्लाई द लॉजिक इन दैट थिंग सर, बिकॉज अगेन इट कम्स सर इट इज इम्पॉसिबल, एंड इम्पॉसिबल वाला सर वो क्लॉज लग जाएगा ना कि एब्सोल्युटली इट इज इम्पॉसिबल. नहीं, इट इज नॉट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल ना, क्योंकि चोट तो उससे भी लग सकती थी. जब हम मैंने बताया था आपको एक औरत थी और ही हैड दिस चाइल्ड, छोटा सा चाइल्ड था, एंड ए सपोज औरत को मारने के चक्कर में चाइल्ड को मार देता है, उसका हाथ आ जाता है सडनली, एंड अल्टीमेटली द चाइल्ड डाइज. ना इस केस में औरत को उसे सिर्फ ग्रीवियस हर्ट कॉज करना था, सो यू विल होल्ड हिम लायबल फॉर अटेम्प्ट टू कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, बिकॉज अटेम्प्ट तो किया उसने ना एक्चुअली, एंड इट वाज नॉट इम्पॉसिबल, आल्सो हो सकता था.
Sir, in the similar case, in Transfer of Malice, you gave another example in which there were three people who went into some house named C and assuming it to be, believing it to be, and then they killed a person there who was the owner of that place or something like that. Sir, believing him to be owner of B place. Huh, so they will be held liable na, for that. That is a different offense altogether. Sir, but transfer of malice, say, in that illustration, you said that he will also, they will also be liable for attempt of killing the owner of B. Owner of B? Yes, sir. I can't recall the example. Ek bar dekhna padega. I will have a look and ek bar batata hu. I can't recall the example. Seriously, मैं recall ही नहीं कर पा रहा हूँ. एक बार देखता हूँ but ठीक है. अब हाँ अब point of motion सुनो इसके बाद what are we gonna do? Now we are done with 80% of our IPC. हाँ ये जो major chunks हैं हमने जो खत्म किए हैं वो 80% of the IPC हैं. बाकी बहुत छोटा है. बाकी 20% ही है. And that is sorry to interrupt. I have joined today. Oh. So, when was this batch started? And oh, this batch was started in November. Okay. Sir, I have joined today itself. No. You will have IPC classes again, na? Starting from scratch, so you'll have. Okay, sir. Thank you. So, 80% we have done. अब 20% बाकी है. अब 20% में जो मेजर चंक है नाउ आइडियली ये 20% ऐसा है कि इसमें मेरा इनपुट काफी कम रहेगा एंड रादर इफ यू रीड इट ऑन योर ओन तो भी आपको समझ में आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता दूंगा. इट्स ऑल द टेक्स्ट टू बी ऑनेस्ट. एंड अब इसमें जो 20% में है पहले आई एम थिंकिंग ऑफ डीलिंग विद सेडिशन जिसमें क्योंकि थोड़े एरियाज हैं उसमें आई वांट टू कवर एंड सेडिशन एंड वेजिंग वॉर एंड देन आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग ऑन टू ऑब्सेनिटी एंड पब्लिक डिसेंसी एंड देन उसके बाद देन ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन एंड लास्टली फॉर्जरी. अभी के लिए ये सोच रहा हूँ एंड ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें जैसे अभी 2 घंटे हमारे पूरे अटेम्प्ट डिस्कस करने में लग गए. ऐसा नहीं लगेगा इसमें हार्डली इसमें 20 मिनट्स लगेंगे. इसमें 10 मिनट्स लगेंगे. इसमें भी हार्डली 15 to 20 मिनट्स. इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ ये तीनों टॉपिक तो एक 1 आवर में ही हो जाएंगे. सो इफ यू वॉन्ट टू इंक्लूड एनी टॉपिक जो आप चाहते हो कि पहले करें तो बता दो वरना यही चेन सही है. सॉर्टेड है. दिस इज गुड. तो नेक्स्ट लेक्चर में वील डू सेडिशन. ठीक है. अब एनी डाउट्स विद रिगार्ड्स टू प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो एंड अटेम्प्ट एज वेल. नन. ठीक है फिर वी विल एंड इट एंड टुडे सेशन हियर इटसेल्फ. कोई डाउट्स हो तो आप बता दो. मेरा एक मतलब कोई सेशन से बिकॉज़ सम मैं भी सेकंड बैच से बैच नंबर 2 से. नो प्रॉब्लम. तो मेरा आई डोंट नो आपने क्या कवर किया है नहीं किया है. आई जस्ट हैड अ स्मॉल डाउट कि सपोज देयर आर फोर पीपल फोर अक्यूज्ड एंड उन्होंने एक किसी औरत का रेप करके मर्डर कर दिया है. उनमें से वन ऑफ देम हाँ अच्छा ओके यू आर राइटिंग ओके उनमें से वन ऑफ देम इज अ माइनर एंड दैट पर्सन हैज गिवन अ स्टेटमेंट कि उसने कुछ नहीं किया है. बाकी तीनों ने मिलकर रेप और मर्डर किया है और ये स्टेटमेंट उसने पुलिस को दिया है पुलिस कस्टडी में.
तो ये स्टेटमेंट विल इट बी एडमिसिबल इन कोर्ट, बिकॉज आई एम कंफ्यूज बिकॉज उसने पुलिस को दिया, आई नो पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट दिस पर्सन वॉज टेकन टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड द मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निसेंस ऑफ द मैटर. उसके बाद ही हैज हैंडेड ओवर दीज पीपल टू द पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो इस केस में इसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? सी, अब इसमें दो चीजें हैं. अब आपने जब तक पुलिस कस्टडी बोला था तो कुछ नहीं हो सकता था, टू बी ऑनेस्ट. एनी स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस इज इररिलेवेंट, कुछ उसकी कीमत नहीं रहती. इट इज हिट बाय सेक्शन 26, उसको कोर्ट कुछ नहीं करता. इनफैक्ट जो भी एग्जामिनेशन पुलिस कंडक्ट कराता है, हम कोर्ट में वापस उनको बोलना पड़ता है. बट आपने जैसे ही मैजिस्ट्रेट ला दिया, और मैजिस्ट्रेट एनी स्टेटमेंट मेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर 164 इज रेलिवेंट. अब मुझे पता नहीं है कि ये 164 है, तो शायद 164 नहीं होगा, बिकॉज आप बोल रहे हो कि इसके बाद पुलिस को डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की, राइट? यस सर, उसके बाद कॉग्निसेंस लेने के बाद कॉग्निसेंस लेने हैंडओवर किया. हाँ, एब्सोल्युटली. तो ये हुआ है, ऐसा हुआ है कि माइनर ने कंप्लेंट की है मैजिस्ट्रेट को, या पुलिस ने इंटीमेशन किया है मैजिस्ट्रेट को, एंड मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने बोला है 156(3) में, which is well within the power of magistrate. But sir, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जब वो पुलिस कस्टडी में था उस वक्त उस पे वायलेंस हुआ और डीके बासु गाइडलाइंस वर नॉट फॉलोड, तो कैन आई से दैट उसको मतलब प्रेशराइज करके ये स्टेटमेंट लिया गया? सी, एब्सोल्युटली दैट यू कैन से इन ट्रायल ना. अब मैं किसी को बोलूं कि ये गलत है, ये तो मैं ट्रायल में बोल रहा हूँ. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने दौरान मैं थोड़ी बोल सकता. सो इन्वेस्टिगेशन इज अ पेरिल दैट यू विल हैव टू सफर, एंड इट्स अ सैड स्टेट दैट वी आर इन दिस कंट्री, जहां पर एनी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन इज इजियर टू स्टार्ट. No, sir, my question was ki is this statement admissible in court, because now this case has gone to trial. Statement is not admissible in court. It will be hit by 20. Statement is not admissible. तो मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते. The judge will discard this. He won't admit this only. That's what I was saying. Provided अगर minor as a witness बन के आया तो नहीं है. No sir. Basically sir, ये प्रियंका रेड्डी जो केस हुआ था तेलंगाना में, it's that case. I basically have a moot court memorial proposal. तो इसमें ये केस है, and now the four of them were killed in an encounter. तो extrajudicial killing में मर गए सारे. लेकिन मरने से पहले this minor gave his statement, but police custody में दिया था. वो admissible होगा कि नहीं होगा? No, no, it won't. It won't. Any statement in police custody is not admissible. Okay, sir. Thank you. No problem. Sir, one of the accused was minor. So वहाँ पर sir JJ Act applicable नहीं हुआ? JJ applicable होगा accused, but we are talking about the testimony of the accused ना. Okay. Absolutely, JJ तो juvenile justice ही apply करेगा trial और उसका. So we'll call it a day. We'll end it. Okay. Good night.